नमस्कार, मैं पंडित राजेश योगीराज। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जो कि 14 जनवरी को पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य भगवान जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को संक्रांति काल कहा जाता है। मकर संक्रांति धनु राशि से सूर्य भगवान मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि शनि देव की राशि है, सूर्य भगवान उनके पिता हैं। पिता अपने पुत्र के घर में जाएंगे तो इस कारण से इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार पुण्य काल जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को शाम को 7:53 में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 15 तारीख को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पुण्यकाल रहेगा। इसके कारण जितना आपको दान पुण्य करना है वो आप 15 तारीख को करें। यह क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भागीरथ जी ने बड़ी तपस्या की थी तो गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम होते हुए गंगा सागर में चली गई थी। इस दिन भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, उसके बाद वह गंगा सागर में मिल गई थी। तो ये कहा भी जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर आप गंगा सागर का तीर्थ एक बार ये पुण्य पालेंगे तो सारे तीर्थों के बराबर इसका पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। और इसी दिन एक कथा और है, विष्णु भगवान ने दानवों का नाश किया था, राक्षसों का, और उसी दिन युद्ध जीत के युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी और मंदार पर्वत में इन जितने भी दैत्यों के शरीर थे उनको दबा दिया गया था। तो इसी दिन नकारात्मक शक्तियों का भी अंत होता है और पॉजिटिविटी का आगमन होता है। और इस दिन बहुत ही पुण्य, बहुत दान पुण्य बहुत किए जाते हैं। इसको उत्तर जो अपना भारत है वहाँ पर इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अपने गुजरात साइड में इसको उत्तरायण बोला जाता है और दक्षिण में इसको पोंगल के नाम से इसको मनाया जाता है। इस दिन जो स्त्रियां हैं वह 14 चीज़ों का कल्पती हैं, जो अपने बड़ी जो अपनी लेडीज़ होती हैं उनको ये कल्प के वो वस्तुएं देती हैं और बड़ा ही उससे महत्व है इसका, स्त्रियों के लिए बड़ा विशेष महत्व है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तिल का इसमें बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जो तिल होते हैं वो विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो ये औषधि के रूप में होते हैं। हम गुड़ और तिल, जो काले तिल होते हैं और सफ़ेद तिल भी मिलाए जाते हैं, उनसे लड्डू बनाते हैं, उनको ज़रूर खाना चाहिए और दान भी देना चाहिए। उसको खाने से आपके शरीर की सारी व्याधियाँ खत्म हो जाती है। और उड़द का भी यहाँ उस दिन बड़ा महत्व होता है, उड़द की वस्तुएँ भी उस दिन बनाई जाती है। कहते हैं कि उड़द की वस्तुओं में भी जो आपके अग्नि तत्व होता है उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो उड़द की चीज़ें आपको खानी चाहिए, बनानी चाहिए और उसको दान भी करना चाहिए। तो ये बड़े महत्व हैं। और सूर्य उस दिन उत्तरायण होते हैं, उस दिन की जो रात होती है ये वर्ष की सबसे लंबी रात होती है। और सूर्य उत्तरायण होने के बाद धीरे धीरे रात छोटी हो जाती है और दिन जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये उत्तरायण होता है, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं सूर्य भगवान और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। अब मैं आपको राशियों के बारे में बताता हूँ। मेष राशि वालों को चने की दाल, तिल और हरी चीज़ें, जैसे आप मूंग का जो भी आप खिचड़ी बना सकते हैं, इसका आपको दान करना चाहिए। और हरे कपड़े जो किन्नर होते हैं उनको आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। वृष राशि वालों को काली चीज़ों का दान करना चाहिए और काले कपड़े देने चाहिए, वृद्धाश्रम में जाके उनको भोजन कराना चाहिए। तिल से बनी हुई चीज़ हो, गुड़ हो और आपको कम्बल हो, या आपको जो अपने कोड़ी होते हैं उनको ज़रूर से देना चाहिए, तो इससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को घी का दान करना चाहिए तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। तांबे की वस्तु दान करनी चाहिए कहीं मंदिर में, उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। सफ़ेद कपड़े आपको दान देने चाहिए और सूर्य को अर्क जरूर देना चाहिए।
सूर्य का भी बड़ा महत्व होता है, मैं सभी के लिए कहता हूँ सबको सूर्य को अर्घ उस दिन जरूर देना चाहिए तिल डाल के। कर्क राशि वालों को कोड़ियों को तिल जरूर दें, कंबल दें और तिल से बनी वस्तुएं हो वो जरूर से देनी चाहिए। और कर्क राशि वालों को विशेष तौर से मसूर की दाल या उससे बनी वस्तुओं का भी दान करना चाहिए और लाल कपड़े आप जरूर दें, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर कंबल एवं काले कपड़े भी देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को कंबल अपंग लोगों को एवं कोड़ियों को जरूर देना चाहिए एवं तिल और गुड़ से बनी वस्तुएं भी दान करनी चाहिए एवं उनको काले कपड़े और काले ही तिल दान करने चाहिए, उससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। और हरे कपड़े भी दे सकते हैं और खिचड़ी अगर दें तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कन्या राशि वालों को कम्बल तिल और तेल इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए या इनसे जैसे आप तिल की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, कोई भी वृद्ध लोगों को आप खिला सकते हैं या वृद्धाश्रम में जाके तिल से बनी हुई वस्तुएं और तेल में बनी हुई चीज़ों को आपको जैसे उड़द है उड़द की चीज़ों को भी आपको दान करना चाहिए। और विशेषतर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं उनका आप दान जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तुला राशि वालों को भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, परंतु यह दिन बड़ा शुभ है, इस दिन कुछ ना कुछ ग्रहों के हिसाब से आपको दान करते रहना चाहिए। तो तुला राशि वालों को मसूर की चीज़ें जो हो उसका दान करना चाहिए, काले तिल से बने हुए लड्डू आपको दान करने चाहिए, इससे आपकी और प्रगति होगी और बहुत ही खुशहाली आपके जीवन में आएगी। वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इस वक्त जो कि शनि की 7.5 चल रही है तो शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे उड़द से बनी हुई वस्तुएं हैं, काले तिल और इनका विशेष बनी हुई वस्तुओं को आपको वृद्ध लोगों को खिलानी चाहिए। जितने गरीब हों, क्योंकि महत्व तो देखिए जो भूखे हैं उनको खिलाने में ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो गरीब लोगों को आप खिलाइए। और कपड़े आप काले कपड़े दे सकते हैं और सफ़ेद कपड़े भी आप बांट सकते हैं, चावल आप खिला सकते हैं, तो देखिए आपके जीवन में कितना महत्व आएगा। और लाल कपड़े भी आप बांट सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको मंगल भी अभी चतुर्थ रहेगा तो इसके कारण से मंगल का भी आप दान कर सकते हैं। तो मंगल से जुड़ी मसूर की दाल है उसका भी आप दान करें, उससे बनी वस्तुएं भी आप खिला सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। धनु राशि वालों को 7.5 भी चल रही है, अष्टम में राहु भी है, तो समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो आप राहु से जुड़ी वस्तुएं जैसे कम्बल अपंग लोगों को दें या कोड़ियों के यहाँ जाके उनको खाने खिलाएं, तेल से बनी हुई वस्तुएं हैं उड़द से बनी वस्तुओं को आप खिलाएं, तो देखिए आपको कितना अच्छा रहेगा। और शनि के लिए तिल का भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। और आप काले कपड़े और इनका अगर आप दान करेंगे, किसी आवश्यकता जिसको है उसको पहनाएंगे, तो आपके ग्रह अनुकूल होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छा जाएगा। मकर राशि वालों के समय 7.5 चल रही है, परंतु सूर्य भी अभी इनको खराब थे, पर 14 को मकर राशि में सूर्य आने से पिता इनके घर में आ गए हैं, तो समय अनुकूल हो जाएगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु शनि होने के कारण से 12वें घर में इनको शनि के उपाय करने चाहिए, कम्बल अपंग लोगों को बांटने चाहिए, वृद्ध लोगों को कुछ खाना खिलाना चाहिए जिसमें तेल से बनी हुई वस्तुएं हो या आप उड़द से बनी हुई वस्तुएं इनका भी दान कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, काफ़ी स्टार्स इनके बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं, परंतु फिर भी इनको कोड़ियों को अगर ये कुछ खिलाएंगे तो इनको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इनके राशि पे मंगल भ्रमण कर रहे हैं तो इनके लिए अच्छा समय है, चंद्र मंगल का उत्कृष्ट राजयोग चल रहा है। परंतु कुछ ग्रह नेगेटिव भी हैं, तो उसके लिए इनको कोड़ियों को अगर ये कुछ खिलाएंगे, तिल से बनी वस्ती कम्बल ये अगर कोड़ियों को देंगे तो इनको बहुत अच्छा फल और ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। मीन राशि वाले चावल से बनी हुई वस्तुएं खिलाएं, खीर दान में दें और तिल से बनी हुई वस्तुएं तो दें तो बहुत ही अच्छा है, सभी राशियों को देना चाहिए क्योंकि इसका बड़ा महत्व होता है। और सफ़ेद कपड़े दान में दें, स्त्रियों को दें तो बहुत ही अनुकूल फल मिलेगा कपड़े जो हैं। तो ये सभी राशियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और इसका आप सभी लोग लाभ उठाएंगे। और मकर संक्रांति के दिन
सभी लोग पतंगे उड़ाते हैं। पतंगों का इस दिन बड़ा विशेष महत्व होता है। जो पतंगे उड़ाई जाती है तो ये जब कटती है पतंग और दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो कहते हैं कि ये गुप्त दान होता है। तो आप पतंगे जरूर उड़ाइए और उसको कटवाइए, काटिए मत, देखिए आपका गुप्त दान भी हो जाएगा। और राशियों के हिसाब से आप अगर उड़ाते हैं अपने अपने राशि के कलर के हिसाब से और उसका दान करिए, देखिए आपके राशियों पर बड़े अच्छे प्रभाव होंगे। जैसे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, मेष राशि वाले लाल कलर, वृष राशि वाले सफ़ेद कलर, मिथुन वाले हरे कलर, कर्क राशि वाले सफ़ेद, सिंह राशि वाले सफ़ेद, कन्या राशि वाले हरे कलर की पतंगे और तुला राशि वाले सफ़ेद, वृश्चिक वाले लाल कलर, धनु राशि वाले पीले कलर और मकर राशि वाले काले, कुंभ राशि वाले भी काले कलर की पतंगे और मीन राशि वाले पीली कलर की पतंगे कटाएं, तो देखिए आपके ऊपर ग्रह कितने मेहरबान होंगे। और एक विशेष सभी राशियों के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस दिन तुला का दान आप करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा तुला दान। अब आपको मैं तुला दान के बारे में बताता हूँ कि सप्तधान लेके अपने वजन के अनुसार, तो आपका वजन अगर 50 किलो है या आपका 60 किलो है तो 60 किलो सप्तधान, जिसमें सप्तधान में आपके गेहूँ, चावल, उड़द, मूंग, सभी बाजरा, ज्वार, जो भी ये सप्तधान होते हैं ये लेके आप, या पंच दान ले सकते हैं या गेहूँ केवल एक भी ले सकते हैं, इसका आप दान करेंगे तो बहुत ही, और ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो बहुत ही गरीब है, उसके यहाँ ये अन्न जाएगा, वो खाएगा तो उससे बड़ी आपको दुआएं मिलेगी और वो आपको बहुत दुआ देगा, इससे आपका बहुत ही ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और अब मैं आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।